हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग कॉमन मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इट मींस व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक जो हम लोग कर रहे हैं। तो ये मिस्टेक्स हम करते जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमने क्या मिस्टेक्स कर दिया। हर एक डोमेन का बच्चा, मतलब डोमेन इन द सेंस सिविल इंजीनियरिंग में जो डोमेन है, सिविल इंजीनियरिंग बोलोगे कौन कौन से डोमेन है, हाँ जी, सिविल इंजीनियरिंग में साइट इंजीनियरिंग है, डिजाइन इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर डिजाइन इंजीनियरिंग है, BIM इंजीनियरिंग है, प्लानिंग इंजीनियरिंग है, सर्वे इंजीनियरिंग है, ये सारी प्रोफाइल्स हैं। इसके अलावा आर्किटेक्ट की प्रोफाइल है, इंटीरियर डिजाइन की प्रोफाइल है। इन सारे प्रोफाइल में हम मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं, हम किसी भी प्रोफाइल को चूज अगर करते हैं दोस्तों, उसमें क्या मिस्टेक्स करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक सुनिएगा, सो दैट कि आप पूरी बातों को समझ सके। नहीं तो आधा आप अगर सुनेंगे तो आपको पूरा नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या मिस्टेक करना था और क्या बात हुई थी और क्या बात नहीं हुई थी। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डिजाइन इंजीनियरिंग के। डिजाइन में स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियरिंग पे हम लोग सबसे पहला फोकस करेंगे। दोस्तों, आपने AutoCAD का कोर्स किया होगा, फिर स्टैट प्रो का कोर्स किया होगा, राइट? जो AutoCAD का आपने कोर्स किया होगा, उस AutoCAD के कोर्स में आपके साथ एक समस्या हुई। क्या समस्या? ये हुई कि आपने AutoCAD को सीख लिया, बट मैं आपको बोलूं कि बीम की डिटेलिंग करके दिखाओ, तो मेरे दोस्त आप दिखा नहीं पाओगे बीम की डिटेलिंग। क्यों नहीं दिखा पाओगे? क्योंकि आपने बीम की डिटेलिंग की प्रैक्टिस नहीं किया है। आपने सिर्फ क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट भी तो सही से नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ आप प्लानिंग, ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग करने की कोशिश किए। लेकिन आप स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर बनने चाह रहे हो भाई, तो स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर का मतलब है आपको बीम का डिटेलिंग आना चाहिए, कॉलम का डिटेलिंग आना चाहिए, फुटिंग का डिटेलिंग आना चाहिए, स्लैब का डिटेलिंग आना चाहिए, स्टेयरकेस का डिटेलिंग आना चाहिए। आपको अगर डिटेलिंग पोर्शन नहीं आता है AutoCAD में, इसका मतलब आपने अच्छे से AutoCAD नहीं सीखा है। इसलिए प्लीज, अगर आपने AutoCAD सीखा है तो आप YouTube के थ्रू, गूगल के थ्रू, आप ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल है इसके, तो आप इन पे देख के, एक एक स्टेप देख के आप बीम की डिटेलिंग, कॉलम की डिटेलिंग, फुटिंग डिटेलिंग, स्लैब डिटेलिंग, ये सारे डिटेलिंग को कंप्लीट कर लो यार। क्यों? क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर बनना है तो सबसे पहले डिटेलिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरा नेक्स्ट स्टेप जो आप करते हो गलती, वो क्या है, वो ये है कि आपने स्टैट प्रो सीख रखा है, राइट? आपने स्टैट प्रो सीख रखा है। अगर स्टैट प्रो आपने सीख रखा है तो स्टैट प्रो के साथ आपके साथ एक प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टैट प्रो तो सीखा, बट उसमें जो कॉलम का डिजाइन उसने करके दे दिया, कभी कभी होता है कि 10 mm का कॉलम का डिजाइन करके दे दिया बार, बट आपको पता है 10 mm का बार नहीं डालते हैं ना कॉलम में। तो अब आपको कैसे पता चलेगा, जब तक आपको मैनुअली नहीं आता है कॉलम का डिजाइन, मैनुअली नहीं आता बीम का डिजाइन, मेरे दोस्त आप जो स्टैट प्रो सीखे हो उस स्टैट प्रो का कुछ भी मतलब नहीं है। क्यों? वो स्टैट प्रो एक कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर को चलाने से पहले आपको मैथ अच्छी आनी चाहिए। तो मैथ क्या है? मैनुअल कैलकुलेशंस। सो पहला फोकस आप करिए कि मैनुअल कैलकुलेशन सीखिए, मैनुअल के बाद आप स्टैट प्रो सीखिए, और स्टैट प्रो सीखने के बाद आप उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप एक्सेल सीट से, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम जगहों पर अभी भी एक्सेल सीट से डिजाइन होती है स्ट्रक्चर की, तो आप एक्सेल सीट के थ्रू अच्छे तरीके से डिजाइन को सीखिए, पहला स्टेप। लेकिन फिर भी क्या, मैनुअल, मैनुअल के बाद स्टैट प्रो, स्टैट प्रो के बाद आपने सीखा अपना एक्सेल सीट के थ्रू। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि अगर आपने स्टैट प्रो सीखा है या ईटैप भी सीखा होगा, तो यार स्टैट प्रो और ईटैप में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अगर मैं, कई लोग बोलते हैं सर स्टैट प्रो सीखूं कि ईटैप सीखूं, तो आज मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, अगर आपको हाई रेज बिल्डिंग की स्ट्रक्चर डिजाइन करनी है, हाई रेज बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर क्या है, ETABS। मैंने कई बार आपको बताया ETAB का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल एनालिसिस बिल्डिंग सिस्टम। व्हाट? बिल्डिंग सिस्टम मींस बिल्डिंग के लिए प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर कौन सा है, ETAB है यार। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्टैट प्रो, तो स्टैट प्रो भी बिल्डिंग की डिजाइन करता है, बट कोई कोई चीज किसी किसी चीज का एक्सपर्ट होता है। अगर स्टैट प्रो की बात करूं, तो स्टैट प्रो बिल्डिंग की जगह स्टील स्ट्रक्चर अगर उससे किया जाए तो बहुत ही अच्छा फैबुलस रिजल्ट देता है वो। मैंने वेयर हाउस का डिजाइन करके दिया था, अब यहाँ पे आपको लिंक में मिलेगा वेयर हाउस का डिजाइन। उस डिजाइन में आप देखिएगा कि कितने अच्छे तरीके से, कितने एमएम का, कितने हाइट का आपको एक मेंबर कट करवा के लेना है, वो सारी चीजें ETABS और स्टैट प्रो आपको अवेलेबल कर देता है स्टील की डिटेलिंग में। अब आप बोलोगे सर इतनी डिटेलिंग तो मैं देख लेता हूँ स्टील की, बट मैं जब बिल्डिंग की डिजाइन करता हूँ तो मुझे उतनी डिटेलिंग नहीं मिलती कि क्या हमको कितने बार का क्या डालना है। हाँ जी, मिलती है, बट आपको प्रॉपर वो दिखती नहीं है। कैसे दिखती नहीं है? आपने देखा होगा छोटे छोटे ढेर सारी स्टैट प्रो फाइल बनाता है, उन फाइलों को क्या करना होता है, उन फाइलों को आपको इंपोर्ट करना होगा कहाँ पे, RCDC सॉफ्टवेयर पे। अब लोगों सर ये क्या होता है, RCDC क्या होता है, RCDC क्या होता है, RCDC होता है रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइन कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर।
इसका काम क्या है, ये आपने जो ETABS में और जो स्टैटो में ढेर सारी फाइलें देखी है ना, उन फाइलों को इंपोर्ट करके उनकी डिटेलिंग करके दे देता है मेरे दोस्त। अगर आपको नहीं पता है तो आप ढेर सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, आप उनको देख के आप RCDC के बारे में अच्छे से जान लीजिए। क्यों, अगर आपको RCDC के बारे में नहीं आता है, लोग कॉर्पोरेट में क्या खोज रहे हैं, कॉर्पोरेट में खोज रहे हैं प्रोफेशनल बंदा। प्रोफेशनल आप तभी हो जब आप स्टैट प्रो के साथ RCDC के बारे में भी जानते हो, ETABS के साथ RCDC के बारे में भी जानते हो, साथ ही साथ मैनुअल कैलकुलेशन मत भूलिएगा। स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर आप तभी अच्छे बन सकते हो जब मैनुअल कैलकुलेशन अच्छे से आएगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, SFD PMD। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि जब तक SFD मींस व्हाट, शियर फोर्स, एंड PMD मींस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये है क्या, ये स्ट्रक्चर की बिहेवियर की सबसे छोटी इकाई है। अगर आपको एक स्ट्रक्चर की बिहेवियर को समझना है, बीम के बिहेवियर को समझना है, तो यहीं से स्टार्ट होता है रिएक्शन निकाल के SFD और PMD। SFD नहीं सही से चेक करोगे तो आप शियर फेल्योर को नहीं रोक पाओगे स्ट्रक्चर में, और अगर आपने PMD सही से करना नहीं सीख पाए तो आप फ्लेक्चर फेल्योर को नहीं रोक पाओगे। इसलिए प्लीज SFD और PMD दोनों को अच्छे से सीख लीजिएगा, और ये मैनुअल कैलकुलेशन के बाद मैक्सिमम आपका ये पोर्शन कवर हो जाएगा। लाइक आप जो रियल डिजाइन इंजीनियर हैं, इसमें जो कॉमन मिस्टेक मैंने आपको बता दिया, कॉमन मिस्टेक क्या है एक बार फिर से बताता हूँ आपको। कॉमन मिस्टेक है, सबसे पहला आप मैनुअल डिजाइन पर फोकस नहीं करते हो, दूसरा RCDC सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पढ़ते हो, तीसरा आप डिटेलिंग प्लान नहीं करते हो, मीन्स बीम का डिटेलिंग, स्लैब का डिटेलिंग, फुटिंग का डिटेलिंग, इन पे फोकस नहीं करते हो AutoCAD में। प्लीज इन पे फोकस करना स्टार्ट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा अब आपसे BIM इंजीनियर के बारे में। BIM इंजीनियर क्या होता है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इंजीनियर। आप बोलोगे सर ये तो मुझे ही पता है, बट ये होता क्या है, ये होता है मेरे दोस्त BIM आज के टाइम की सबसे हाई टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर पूरा का पूरा बिल्डिंग का काम आप कर सकते हो। लेकिन आप केवल और केवल 2D और 3D पर अटके हुए हो, और कॉर्पोरेट कहाँ जा रहा है, 4D, 5D, 6D और 7D पे जा रहा है। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो एक वीडियो मैंने यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है, उस वीडियो में जाके देखिए कि क्या होता है 4D, क्या होता है 5D, क्या होता है 6D, क्या होता है 7D। कोशिश करिए कि 4D तक आपको सॉफ्टवेयर आ जाए। 4D और 5D तो बहुत नॉमिनल है, लाइक आप नेविस वर्क सुना होगा, आपने नेविस वर्क सीख लेंगे तो आपका 4D और 5D हो जाएगा। सो दैट आप जाते हो किसी के पास तो उसको बोल सकते हो कि मुझे 4D भी आता है और 5D आता है। 4D में बेसिकली करते क्या है, 4D में हम लोग देखते हैं कि समय के अनुसार कितनी बिल्डिंग बनती जाएगी, जनवरी में कितनी बिल्डिंग बन जाएगी, फरवरी में कितनी बिल्डिंग बन जाएगी। 5D में क्या करते हैं दोस्त, 5D में जनवरी में कितनी कॉस्ट लगेगी, फरवरी में कितनी कॉस्ट लगेगी, मतलब टाइम के साथ कॉस्ट निकालना क्या कहलाता है, टाइम के साथ कॉस्ट निकालना आपका कहलाता है 5D। और अगर टाइम के अनुसार बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन का लेवल चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं लोग, 4D। इनके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है, इनको एस्टिमेट कैसे करते हैं, लाइक आपने पूरा कॉस्ट कितना कैसे कैलकुलेट करोगे इसके बारे में पढ़ लो। अब उसके लिए छोटी छोटी चीजें हैं, 1 m³ में कितनी ब्रेक्स, ये सारी चीजें मैंने बहुत कई बार आपको बताया हुआ है, तो उनको देख लीजिए, साथ ही साथ इनको कवर कर लीजिए कि 4D क्या होता है, 5D क्या होता है। और इसके लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है रेविट का तीनों पार्ट पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आपको पूरा BIM इंजीनियर बनना है तो रेविट स्ट्रक्चर, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट MEP तीनों पार्ट को एकदम रट जाइए। इन तीनों पार्ट को अगर आपने रट लिया और इनके साथ मैनुअल कॉन्सेप्ट पढ़िए, देखिए मैनुअल को क्या होता है, कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिक में, तो कंडक्ट का यूज क्या है, ठीक है, डक्टिंग होती है, डक्टिंग का यूज क्या है, डक्टिंग कितने एमएम का लगाएंगे कहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितने एमएम का कहाँ पे लगाएंगे, ये तब आपको पता चलेगा जब आप बुक्स को पढ़ोगे, बुक्स से पैरामीटर लोगे। सो प्लीज अगर आपको BIM इंजीनियर बनना है तो उनके मैनुअल जो है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए और उनके थ्रू आप आगे जाइए। अब मैं बात करूंगा प्लानिंग इंजीनियर का। प्लानिंग इंजीनियर हैं आप, आपका काम है क्या, प्लानिंग करना, चीजों को प्लानिंग करना। तो प्लानिंग आप तब अच्छे से कर पाओगे, एक प्लानिंग देखो, प्लानिंग इंजीनियर मींस वो नहीं जो AutoCAD पे काम करता है, प्लानिंग इंजीनियर मतलब जो सारे पूरे कंस्ट्रक्शन को मैनेज करता है, जिसको मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के नाम से जानते हो आप, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उनके साथ सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैनुअली मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। मैनुअली मत करिए आप, अभी सॉफ्टवेयर का टाइम आ गया है, मैनुअली तो बहुत अच्छी बात है अगर आप जानते हैं, मैनुअली के साथ आप प्राइमेरा, MSP, अब आप बोलोगे MSP क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, प्राइमेरा किस कंपनी का सॉफ्टवेयर, ओरेकल कंपनी का सॉफ्टवेयर है प्राइमेरा, एक साथ 5 से 6 कंपनियों को आप एक साथ मैनेज करिए, एक साथ देखिए कि इसका मैनेजमेंट क्या है, कहाँ तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, इसका कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, इसका कहाँ तक कंप्लीट, सारा कुछ आप मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो आपको पता चलेगा उस साइड कुछ और चल रहा है, इस साइड कुछ और चल रहा है, आपको पता ही नहीं कि रियल क्या चल रहा है,
कितनी कॉस्ट हो चुकी है, कितनी कॉस्ट नहीं होने वाली है। अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप MSP या प्राइमेरा में से एक सॉफ्टवेयर तुरंत ही सीख लीजिए। इसको सीखने के बाद आपकी ये फिक्स हो जाएगी। इसके बाद एक होता है जो हम लोग करते हैं, ड्राफ्टमैन की जॉब होती है। अब ड्राफ्टमैन में भी कुछ ड्राफ्टमैन ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और वो प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उन्हें एक साथ एक प्रॉब्लम होती है। बहुत अच्छा तो कमा रहे हैं पर उससे भी ज़्यादा अच्छा पैसा कमाने के लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, आपको वास्तु के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। वीडियो मैंने शॉर्ट में बनाया था वास्तु के बारे में, तो आप लोगों ने ज़्यादा उसको पसंद नहीं किया तो मैंने ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताया। बट अगर आपको चाहिए तो एक बार वीडियो को देखो और मुझे बताओ कि सर वास्तु के बारे में मुझे और जानना है, तो मैं वास्तु के बारे में और डीप में बताऊंगा। वास्तु इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप वास्तु के थ्रू क्लाइंट को बोलते हो कि मैंने प्लानिंग जो है ये वास्तु के थ्रू किया है, तो थोड़ा सा माइंड अच्छा होता है यार, इसको वास्तु का भी नॉलेज है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा आपको, जैसे अगर 10 लोग एक साथ लाइन में लगे हुए हैं बोले मैं ही बना दूंगा, मैं ही बना दूंगा, मैं ही बना दूंगा, मैं इतने बना दूंगा, आप 1000 महंगा ले लो, 1000 ज्यादा चार्ज कर दो, बट आप क्या करो, आप वास्तु के थ्रू बनाओ, वो बनता सिर्फ और सिर्फ आपको काम देगा, क्योंकि उसको समझ आएगा सबसे ज्यादा नॉलेज किसको है इस फील्ड का, आपको नॉलेज है, समझ रहे हैं। तो आप अच्छे से वास्तु के बारे में जानिए, अगर आप वास्तु के बारे में अच्छे से जानेंगे तो आप प्लानिंग अच्छी करेंगे। प्लानिंग के साथ आपने कई लोगों को देखा है कि जब प्लानिंग करते हैं तो डोर विंडो का प्लेसमेंट ही सही जगह पर नहीं करते हैं, अर्थक्वेक के रिगार्डिंग उसका प्लेसमेंट नहीं करते। आप उसको चेक करिए कि हमको डोर से 500 mm साइड में करके ही डोर को देना है। लोग क्या करते हैं, डोर को वॉल के साथ चिपका देते हैं। नहीं भाई, किस रूल को आपने पढ़ा है, आप इसके रूल को पढ़िए फिर इसके बारे में आप डिजाइन करिए, तो आपके साथ बहुत ही अच्छा होगा और आपका करियर आपके ऐसे जाएगा। करियर को अच्छा करने के लिए उसमें देखिए हमारा मिस्टेक क्या है, उस फील्ड में मुझे ग्रोथ मिल रहा है, मैं ऐसे चल रहा हूँ, बट ये ग्राफ थोड़ी चलेगा, ये ग्राफ नहीं, दुनिया तेज चल रही है, तो आपको कैसे चलना है, ऐसे ग्राफ लेके जाना है। ऐसे ग्राफ ले जाने के लिए आप मिस्टेक्स देखो कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ पे है। दूसरा मैं बात करना चाहूंगा, कुछ लोग, कई लोग 3D मॉड्यूलर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं, 3D मॉड्यूलर बनना चाहते हैं, और उनको मैंने अगर बुद्धिया कि ये 3D मॉडलिंग करके दे दो, तो क्या करते हैं, जस्ट एक लिया और लेके हमने एक प्रैक्टिकल बनाया, खींचा और ये कंप्लीट करके दे दिया। ऐसे डिजाइन तो सभी दे सकते हैं यार, आज के टाइम में इंटरनेट की दुनिया है, सब लोग गूगल से सर्च करके आपकी डिजाइन को छोड़ के दूसरे डिजाइन को प्रॉपर बनवा लेंगे। आपको क्यों चूज करेंगे, आपको क्यों उन्होंने पैसे दिए, यू नो व्हाई, क्योंकि आप सिविल इंजीनियर हो। आप एक अच्छा एक्सटीरियर डिजाइन करके दोगे, आप बोलोगे सर अच्छा एक्सटीरियर डिजाइन कैसे करके दूंगा, उसके लिए आप थीम सेट करिए, थीम ऐसा सेट करिए कि वो लोगों के घर से अलग दिखे, वो घर लोगों के घर से वो घर अलग दिखे, और लोग बोले कि यार ऐसा एक्सटीरियर डिजाइनर हमने नहीं देखा है। उसके लिए आप एक चीज जो मैं कॉपी करता हूँ लोगों से, वो ये कि अगर आप इस ट्रेडिशन को बना रहे हो, लाइक अगर आप एक सिटी में बना रहे हो जो कि छोटी सिटी है, तो आप मेट्रो सिटीज में जो घर बने उनके घर को कॉपी करके अगर छोटी सिटी में डालोगे तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे आपके डिजाइन से। अगर आप मेट्रो सिटीज में हो तो आप फॉरेन के जो अच्छे अच्छे सिटीज है उनके घरों के स्टाइल को कॉपी करोगे और मेट्रो में बनाने की कोशिश करोगे मेट्रो सिटीज में, तो वो ज्यादा लोग पसंद करेंगे। और अगर आप गांव के गांव लाइक कुछ लोग विलेज का भी बना रहे होंगे, विलेज में एक्सटीरियर डिजाइन बनाना चाह रहे हो, तो आप सिटी का कॉपी करो और सिटी का कॉपी करके वहां लगाओगे तो लोग ज्यादा करेंगे। क्यों, क्योंकि लोगों की थीम पसंद होती है, लोगों की जो मेंटेलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं। मेट्रो वाला फॉरेन का सोचता है और छोटे शहर वाला मेट्रो का सोचता है और गाँव वाला शहर का सोचता है, इस तरीके की चयन है। उनके दिमाग के साथ अपने दिमाग को मैच करिए और उसके अकॉर्डिंग डिजाइन बनाइए, बहुत ही अच्छी डिजाइन आप बना सकते हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा इंटीरियर डिजाइनर के ऊपर। कई इंटीरियर डिजाइनर मेरे को बोलते हैं कि सर मैं तो इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत अच्छे करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मुझे अभी ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं। उसका मेन रीजन आपको पता है क्या, मेन रीजन ये है कि आपने जो इंटीरियर डिजाइनर किया है, अपने इंटीरियर डिजाइन किया, वो डिजाइन उसके दिमाग पे नहीं गया, उसके ब्रेन पे नहीं गया, उसे बनवा तो लिया और वो लोगों को नहीं बोल रहा है कि इनसे डिजाइन बनवाइए। क्यों नहीं बोला पता है, क्यों, कि उसके दिमाग पे क्लिक नहीं हो रहा है कि इससे अच्छा नहीं हो सकता। उसके दिमाग पे कैसे क्लिक होगा, थीम से क्लिक होगा। थीम बनाइए कि मेरा जो डिजाइन होगा कुछ अलग तरीके का थीम होगा, उसमें कैसा थीम दे सकते हैं। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था थीम के बारे में, मैंने उसे बताया था कि जैसे सीसीडी ने अपना थीम दिया है, कोको कोला ने अपना थीम दिया है, एयरटेल ने अपना थीम दिया है, वैसे आप भी अपने डिजाइन को थीम दीजिए। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिए कि मुझे अगर मनी प्लांट का लगाना है उनके घर में, तो मनी प्लांट का डायरेक्शन क्या होगा, मिरर लगाना है मिरर का डायरेक्शन क्या होगा,
अगर हमें बेड लगाना है बेड का डायरेक्ट सर क्या होगा, इस चीज को अगर देख के करोगे तो उनके घर में हैप्पीनेस होगी, और हैप्पीनेस होगी तो वो बोलेंगे यार घर कुछ ना कुछ तो अलग किया है इन्होंने, और वो दूसरों को अपने रिश्तेदारों को बोलेंगे यार अगर तुम्हें करवाना है ना इंटीरियर डिजाइनर तो थोड़ा सा कॉस्टली है बट इसके पास जाओ, इससे अच्छी इंटीरियर डिजाइनिंग कोई नहीं कर सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप थीम और थोड़ा सा वास्तु एलिमेंट्स के बारे में, वास्तु घर वाला नहीं, प्लानिंग नहीं, आप इंटीरियर डिजाइनर हो, वास्तु एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा अगर जानकारी ले लेंगे आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों। इसके बाद एक और प्रोफाइल है जिसका नाम है सर्वे इंजीनियरिंग। सर्वे इंजीनियरिंग में कई लोग टोपोग्राफी में जॉब कर रहे होंगे, टोपोग्राफी प्लान्स बना रहे होंगे, राइट। लोग क्या कर रहे हैं, लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं मैनुअली करने की कोशिश कर रहे हैं। मैनुअली आपको आता है बहुत अच्छा है, मैं तो पहला प्रीफ्रेंस मैनुअली देता हूँ लेकिन सेकंड प्रीफ्रेंस मैं सॉफ्टवेयर को भी देता हूँ। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों को फास्ट काम करने की आदत हो गई है, तो फास्ट काम करने के लिए आप सर्वे का काम कर रहे हो, आपने देखा कि नॉर्थ का रीडिंग इतना है टोटल स्टेशन, अगर हाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर आप साइट पे कर रहे हो सर्वे साइट का कर रहे हो और आपको टोटल स्टेशन चलाना नहीं आता है तो गलत है दोस्त। क्यों? क्योंकि जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं आज वो थियोडोलाइट बन कर चुकी है, डंपिंग लेवल, राइज डंपिंग लेवल, ऑटो लेवल, इन सबको कम यूज कर रही हैं। वो क्या यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं टोटल स्टेशन। तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा खुद को, खुद को टोटल स्टेशन के बारे में नॉलेज गेट करिए और उसके थ्रू रीडिंग करिए तो आप थोड़ा सा ज्यादा आपको लोग प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि आपको टोटल स्टेशन चलाना आता है, ठीक है। इसके बाद मैं अभी बात कर रहा था सर्वे इंजीनियर की, तो आप उसके लिए सिविल 3D नाम का सॉफ्टवेयर अच्छे से सीखिए। उसमें क्या होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का जो भी पोजीशन है एक साथ एक्सेल फाइल से इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर उसके पोजीशंस को पॉलीलाइन से मिला दो और स्प्लाइन से मिला दो, मिलाने के बाद आप जल्दी से कंट्रोलिंग कर सकते हो। लास्ट प्रोफाइल है साइट इंजीनियर की। आप साइट इंजीनियर तो बन गए बट आप अच्छे साइट इंजीनियर नहीं हो। अब लोग सर साइट इंजीनियर तो मैं भी अच्छा हूँ, साइट पे काम क्या होता है? हाँ जी, साइट पे काम नहीं होता है कुछ खास इंजीनियर का, लेकिन कुछ काम बहुत अच्छे होते हैं जो जरूरी है आपको अच्छे से करना। क्या? लैपिंग। अगर आपको लैपिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, आप अच्छे से वहाँ पे लैपिंग अपने साइट पे नहीं चेक कर रहे हो तो बहुत ही गलत हो जाएगा। कोई भी इंजीनियर डिजाइन इंजीनियर चेक करने के लिए आएगा, कोई भी सीनियर इंजीनियर चेक करने के लिए आएगा, वो बोलेगा यार ये कैसा साइट इंजीनियर जिसको लैपिंग के बारे में नहीं पता है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आप लैपिंग के बारे में अच्छे से, चेयर्स क्या होते हैं, चेयर्स के बारे में, जो लैपिंग में आप करते हो ना उसके बाद एक स्लैब का जो टॉप और बॉटम रेइंफोर्समेंट के बीच में जो चेयर्स लगाते हो जिसको आप कवर ब्लॉक बोलते हो, वो कैसे लगता है अगर उसके बारे में नहीं पता है, कितने एमएम का लगाना है ये नहीं पता है, कवर का साइज क्या होता है, कवर क्या होता है, कवर में नॉमिनल कवर क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या होता है इसके बारे में नहीं पता है। इफेक्टिव कवर क्या होता है आपको पता है? जो हमारा स्टील होता है उसका जो मिड है और ऊपर का जो पोर्शन है जो कॉर्नर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? इफेक्टिव कवर है। अब बोलोगे सर नॉमिनल कवर क्या होता है? क्लियर कवर का नाम सुना है क्या? सुना है ना? क्या कॉलम का क्लियर कवर कितना सुना आपने? 40। भाई वही तो नॉमिनल कवर है, समझ रहे हो? तो उसके बारे में अच्छे से आप थोड़ी सी जानकारी लो, आपको कवर, लैपिंग और स्टील का वेट कितना कैसे निकालना है, स्टील जो है उसका BOQ कैसे फाइंड करना है, बिला क्वांटिटी कैसे फाइंड करना है। देखो आप सब साइट पे ना सारे नॉलेज लेके जाओगे, कॉलम का लेआउट कैसे होता है, ड्राइंग को रीड कैसे करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग को रीड कैसे करना है। अगर आप ये सब चीज जाके साइट पे लोगों को बताओगे तो लोगों को लगेगा नहीं ये रियल में इंजीनियर है, ये रियल में इंजीनियर है, और आप पे लोग फोकस करेंगे और आपको बोलेंगे नहीं इसका काम अच्छा है कंपेयर टू अदर पर्संस, ठीक है। तो आप अगर साइट इंजीनियर हो या डिजाइन इंजीनियर हो या स्ट्रक्चर इंजीनियर हो या इंटीरियर डिजाइनर हो या आर्किटेक्ट हो या BIM इंजीनियर हो, ये कुछ जो मिस्टेक्स सभी लोग करते हैं इन मिस्टेक्स को आप मत करिए। अगर इन मिस्टेक्स को करेंगे तो आपके करियर में ये ग्रोथ नहीं होगा। सो प्लीज ये ग्रोथ करने के लिए आप इस चीज पे फोकस करिए, जो भी आपके एरर्स हैं उन एरर्स को आप रिमूव करने की कोशिश करिए। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है कि इसमें और कुछ मैं अगर आपको बताऊं कि एक प्रोफाइल के बारे में बताइए किस प्रोफाइल में सर ये गलतियाँ आपको कैसे इम्प्रूव करेंगे उसके बारे में आप यहाँ पे कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो मैं जरूर ही उस टॉपिक के बारे में जरूर बनाऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।